नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहारी की काव्य कला का अध्ययन करेंगे। बिहारी श्रृंगार के प्रसिद्ध कवि व रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 713 दोहे हैं। इन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में इतने अधिक भावों का समावेश किया है कि आलोचकों को उनके विषय में यह कहना पड़ा है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। एक सफल मुक्त काव्य की सभी विशेषताएं बिहारी सतसई में उपलब्ध होती हैं। मुक्तक उस रचना को कहा जाता है जो अपने में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो और जिसमें पूर्वापर संबंध का अभाव हो। बिहारी सतसई अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण लोकप्रिय काव्य रचना सिद्ध हुई। कवि बिहारी की काव्य कला को निम्न शीर्षकों से समझा जा सकता है। भाषा की समास शक्ति, कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने के लिए भाषा की समास शक्ति का प्रयोग बिहारी ने किया है। बड़े बड़े प्रसंगों को भी दोहे की दो पंक्तियों में समाविष्ट कर देने में उन्हें सफलता मिली है। बिहारी ने बहुत कम शब्दों में अधिक भावों को कहा है, इसीलिए बिहारी के दोहों के लिए गागर में सागर भरना कहा जाता है। इन दोहों में बिहारी ने अपने ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीति, नीति शास्त्र की जानकारी भी दी है। कल्पना की समाहार शक्ति, बिहारी की काव्य प्रतिभा का मूल कारण है उनकी कल्पना शक्ति। दूर की सूझ को कल्पना के बल पर अपने दोहों में साकार करने के लिए यह शक्ति विरले कवियों में दिखाई पड़ती है। इसी से उनके काव्य में सरसता, मधुरता एवं चमत्कार आ गया। चमत्कार प्रदर्शन, बिहारी ने अपने युग के अनुरूप ही कविता में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय भी दिया है। श्लेष यमक का चमत्कार उनके अनेक दोहों में देखा जा सकता है। शब्दालंकारों के प्रयोग से बिहारी प्राय दोहरे अर्थों का समावेश अर्थ में करके चमत्कार सृष्टि करते हैं। बहुज्ञता का प्रदर्शन, बिहारी को अनेक विषयों की अच्छी जानकारी थी। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास, पुराण आदि का ज्ञान उन्हें था, क्योंकि उन्होंने अपने दोहों में इन विषयों का प्रयोग किया था। इनको शास्त्रज्ञ, पंडित एवं प्रतिभा संपन्न माना जाता है। उनकी कविता में व्यापकता, विशदता एवं बहुज्ञता उपलब्ध होती है। बहुज्ञता का अर्थ है विविध विषयों की जानकारी। बिहारी प्रतिभा संपन्न कवि होने के साथ साथ विविध विषयों की जानकारी से संपन्न लोक एवं शास्त्र में निपुण कवि थे।
उनके द्वारा रचित दोहों में विविध विषयों की जानकारी समाहित है। यह जानकारी एक ओर तो उनके लोक ज्ञान का परिचय देती है तो दूसरी ओर विविध शास्त्रों यथा आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीति एवं नीति शास्त्र की जानकारी की भी परिचायक है। बिहारी को ज्योतिष की जानकारी भी थी। बिहारी एक दरबारी कवि थे और जयपुर ज्योतिष का प्रसिद्ध केंद्र था। ज्योतिष से संबंधित अनेक योगों का वर्णन बिहारी के दोहों में देखा जा सकता है। बिहारी को आयुर्वेद की भी जानकारी थी। उन्होंने अपने कई दोहों में इस जानकारी का परिचय भी दिया है। बिहारी ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत राजनीति की जानकारी का भी प्रयोग किया है। बिहारी सत्सई में नीति के अनेक दोहे हैं जो उनकी नीति शास्त्र की जानकारी का प्रामाणिक परिचय देते हैं। बिहारी ने गणित की जानकारी का प्रयोग भी सत्सई में किया है, किंतु एक दो स्थानों पर गणित के सामान्य ज्ञान को देखकर यह कहना कि बिहारी बहुत बड़े गणितज्ञ थे ठीक नहीं है। अद्भुत प्रतिभा के धनी बिहारी ने लोक का सूक्ष्म निरीक्षण कर उस ज्ञान का उपयोग अपने काव्य में किया है। बिहारी को विविध विषयों की अच्छी जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। लोक शास्त्र का भी उन्हें ज्ञान था। लोक के रीति रिवाज, त्योहार, पर्व, खेल आदि का वर्णन भी उनके दोहों में देखा जा सकता है। श्रृंगार रस की प्रधानता। बिहारी सत्सई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग इसमें समाविष्ट किए गए हैं। उन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का सरस चित्रण तो किया ही है और वियोग का भी उन्होंने विशद चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण। बिहारी ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करके अनेक मार्मिक दोहे लिखे हैं जिनसे प्रकृति का साकार चित्र उपस्थित हो जाता है। सरस प्रसंगों का वर्णन। बिहारी ने जीवन के सरस प्रसंगों का अनायासी अत्यंत सुंदर वर्णन कर दिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो सकता है। व्यंजना सौंदर्य। बिहारी के अनेक दोहों में अनियोक्ति एवं व्यंजना का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। वियोग वर्णन। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के साथ साथ वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्र अंकित किया है। वियोग की अतिशयता के कारण कहीं कहीं उनका वियोग वर्णन ऊहात्मक लगता है। विरह ताप की अतिशयता। बिहारी ने अपने दोहों में विरह वर्णन के साथ साथ उसकी अतिशयता का वर्णन भी किया है। बिहारी के दोहों में विरह ताप की
अतिशयोक्तियों के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है कि बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। हाव अनुभाव चित्रण। नायिका की श्रृंगारिक चेष्टाएं जो जानबूझकर की जाती हैं हाव कहलाती हैं। इन हावों और भावों का वर्णन बिहारी ने अपने दोहों में किया है। बिहारी श्रृंगार के रस सिद्ध कवि हैं। उनका श्रृंगार वर्णन अत्यंत मनोरम एवं आकर्षक है। नक्षिक चित्रण, हाव अनुभाव, संयोग एवं वियोग वर्णन की दृष्टि से वे श्रृंगार वर्णन करने वाले कवियों में सर्वोपरि कहे जा सकते हैं। बिहारी उच्च कोटि के कवि हैं। वे एक सफल मुक्तकार एवं श्रृंगार के रस सिद्ध कवि हैं तथा रीति काल के रस सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कविता में यद्यपि श्रृंगार रस की प्रधानता है तथापि उसमें भक्ति एवं नीति का भी समावेश किया गया है। बिहारी का कला पक्ष भी अत्यंत सशक्त है। उन्होंने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य है। छंद की दृष्टि से उन्होंने अधिकतर दोहे लिखे हैं किंतु कुछ सोल्ठे भी लिखे हैं। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपमा, रूपक, विभावना आदि सभी अलंकार बिहारी के दोहों में उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि सिद्ध हुए हैं। बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं। वे सौंदर्य की सत्ता आत्मगत मानते हैं, वस्तुगत नहीं। यह तो देखने वाले की दृष्टि है जो किसी भी चीज को सुंदर बना देती है। कोई वस्तु अपने आप में सुंदर या असुंदर नहीं होती। मन जिधर और जितनी रुचि दिखाता है वह वस्तु उतनी ही सुंदर प्रतीत होने लगती है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत बिहारी ने हाव भाव एवं अनुभाव योजना के द्वारा रमणीय दृश्यों का विधान किया है। इस प्रकार बिहारी के काव्य में राधा कृष्ण की चेष्टाएं, वाक्य विनोद, उनके हास परिहास का सुंदर चित्रण हुआ है। उनके हाव अनुभावों का सुंदर चित्रण हुआ है। बिहारी ने अपने एक ही दोहे में बहुत से भावों को एक साथ चित्रित किया है। उदाहरण के रूप में उनका यह दोहा देखा जा सकता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुनु हसे देन कहे नटी जाए। इस दोहे में राधा कृष्ण की चेष्टाओं उनके हास प्रयास का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इसी प्रकार एक अन्य दोहा, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्यात, इसमें भी इस पंक्ति में अनेक भावों का सुंदर चित्रण हुआ है। बिहारी के काव्य में बहुज्ञता भी दिखती है। उनकी श्रृंगार वर्णन, उनका प्रकृति चित्रण, उनके श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति एवं नीति के दोहे भी देखे जा सकते हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण बिहारी वास्तव में
रीतिकाल के रस सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं।